क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, कह रहे एरर्स चार कैटेगरीज में डिवाइडेड है अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब आप एंट्री पास कर रहे हैं तो आपको बस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस होगा ये होगा कि एरर डेबिट एस्पेक्ट में है या क्रेडिट एस्पेक्ट में है, चाहे वो एरर ऑफ ओमिशन हो, चाहे वो एरर ऑफ कमीशन हो, चाहे वो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो, चाहे वो कॉम्पेंसेटिंग एरर हो, वो एरर कोई भी हो, वह कह रहा हूं आपका प्राइमरी फोकस क्या रहने वाला है, डेबिट में एरर है या क्रेडिट में एरर है, ठीक है ना। तो इवेंचुअली वहां पहुंचना है हमें, बट ये भी थियोरेटिकली हमें क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ एरर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। एक एक करके बात करेंगे। पहला एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन ओमिट हो गया मतलब भूल गया, दिखाना भूल गया। सामान खरीदा था 50,000 का, कैश बुक कैश परचेज थी, कैश बुक में दिखाना भूल गया और कुछ नहीं करा, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग ही स्किप हो गई। अगर एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई तो क्या आगे कैरी फॉरवर्ड होगी? नहीं हुई, कंप्लीट ओमिशन। इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट ओमिशन हो गया। अब छोटी छोटी चीजें जो बचपन की यूज होंगी, जैसे कि अगर मैंने कैश बुक, मैंने फॉर एग्जांपल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, तो जर्नल एंट्री क्या होती है? कैपिटल कैश टू कैपिटल, लेट अस अज्यूम कैश में आई थी तो कैश टू कैपिटल। किस किस का लेजर अकाउंट बनेगा आगे जाके? कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड हुई है, ठीक है ना, तो आगे किस किस का लेजर बनेगा? कैश और कैपिटल, यस और नो? सिर्फ कैपिटल, सिर्फ कैपिटल। अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो कैश अकाउंट नहीं बनता, अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो कैश अकाउंट नहीं बनता। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सर क्यों? अब सोचो कि कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई थी, पोस्टिंग करना भूल गए। ध्यान से सुनना, अभी तो बस एक ट्रेलर दे रहा हूं कि क्यों मुझे पुरानी की चीजें, पुरानी बातें पता होनी चाहिए अच्छे से। सर अभी तो आपने कहा था बस बेसिक्स पता होने चाहिए, ये बेसिक्स ही हैं, ये बेसिक्स हैं कि भैया कैश बुक बन रही है तो कैश अकाउंट नहीं बनेगा। क्यों? पर्पस क्या था कैश का लेजर बनाने का? एक ही जगह पे सारी एंट्रीज हो, उससे हमें उसका क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाए जो हमें ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करना है। कह रहे वो सब तो कैश बुक से ही पता चल जाएगा। तो इसीलिए अगर कैश बुक बन रही है डबल कॉलम, तो ना तो कैश का लेजर बनता है ना बैंक का लेजर बनता है। तो अब बैक टू द एरर, मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 50,000 की, पोस्टिंग करना भूल गया, तो एरर सिर्फ कैश में है, सिर्फ कैपिटल में है या दोनों में है? सिर्फ कैश में, सिर्फ कैपिटल में या दोनों में? यही है तीन ऑप्शंस, और चौथा आई डोंट नो। दोनों में, चलो तीनों ऑप्शन एक्सरसाइज हो चुके हैं। सर एक बार क्वेश्चन बता दो बस। कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई कैश टू कैपिटल, अब जब लेजर पोस्टिंग होनी थी भूल गया, दिवाली आ गई थी बिजी हो गया, पोस्टिंग करना भूल गया। तो मैं कह रहा हूं पोस्टिंग करना भूल गया, अब ये इसकी वजह से गलती सिर्फ कैश में होगी, सिर्फ कैपिटल में होगी या दोनों में होगी? एक ने बोला कैश में होगी, एक ने बोला कैपिटल में होगी, एक ने बोला दोनों में होगी। वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। कैपिटल, आप भी ऐसे निकले, जनता की राय? दोनों नहीं बेटा, में दोनों में, दोनों में कैपिटल। कैपिटल क्यों कैपिटल क्यों? चल बता। हो सकता दोनों में, कैश बोला था आपने, याद है ना? कहीं आंसर मत बदल लेना, मुझे याद है कई फ्लो में। कैपिटल दोनों कैपिटल, कैपिटल बीच में बात। अच्छा अभी ये सर दोनों की लहर चल रही है, वेरी गुड। ऑनलाइन वालों तुम चुप रहो, ठीक है ना, सिर्फ कैपिटल, गुड, वेरी गुड।
आई एम इम्प्रेस्ड। सिर्फ कैपिटल, क्योंकि आपने रीजन भी सही दिया, बट ये क्या हो गया, आपने बोला था। अरे भाई आप आपने बोला के बिना भी बोल सकते हो, कैश का लेजर ही नहीं बनता। ध्यान से सुनना नालायको, जब कैश का लेजर ही नहीं बनना तो पोस्टिंग होगी क्या कैश अकाउंट? जब कैश अकाउंट ही नहीं बन रहा तो पोस्टिंग सिर्फ एक अकाउंट में होनी थी, किस में? कैपिटल में। कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है तो कैश का तो बैलेंस निकल जाएगा वहीं से। अब पोस्टिंग होनी थी सिर्फ कैपिटल अकाउंट में, यस और नो? तो अगर गलती पोस्टिंग के टाइम हुई है तो सिर्फ कैपिटल में ही हुई है। कैश का बैलेंस तो कैश बुक से ही पता चल जाएगा, कैश में एरर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अभी तो शुरू हुआ है, छोड़ो बेटा। मैंने क्या पूछा उससे क्या फर्क पड़ता है, बट अच्छा मैसेज आया है ऑनलाइन बोथ। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ मैंने बाद में पढ़ा। तो क्लियर है बेटा अनुष्का कि भाई इट इज नॉट बोथ एंड ओनली कैपिटल? ठीक यस सर। है चलो। अब मैं कह रहा हूं ये ध्यान रखना है, पहली बात तो क्वेश्चन में बताएगा कि एरर रिकॉर्डिंग के टाइम हुआ या पोस्टिंग के टाइम हुआ। हमें ये पता होना चाहिए कि किस किस का लेजर बनता है, किस किस का नहीं बनता। सर एक बार बता दो, एक बार याद दिला दो, बस दोबारा नहीं पूछेंगे। कैश बुक अगर बन, कैश बुक बनी रही है, मतलब सर हमें कैसे पता चलेगा कि कैश बुक बनी कि नहीं बनी? क्योंकि जब हमने जर्नल चैप्टर पढ़ा था तो हमने नहीं बनाई थी, तो हम सबका लेजर बनाते थे। हमने तो कैश बुक बनाई तब जब हमने कैश बुक चैप्टर सीख लिया, तो यहाँ पे हमें क्या पता कि ये सीख चुके थे कि नहीं सीख चुके थे। जब अकाउंटिंग हो रही है, जब अकाउंटिंग हो रही है तो कैश ट्रांजैक्शंस कैश बुक में ही जाएंगी, क्रेडिट परचेजेस परचेजेस बुक में ही जाएगी, क्रेडिट सेल्स सेल्स बुक में ही जाएगी, परचेज रिटर्न बुक में जाएगी, सेल्स रिटर्न बुक में जाएगी। जिसका कोई नहीं होता वो जर्नल प्रॉपर में जाएगी। तो ये बातें पता होनी चाहिए, पता है ना? पक्का बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये पता ही होना चाहिए। दूसरी बात, जो सब्सिडरी बुक्स बन रही हैं, ऐसी कौन सी सब्सिडरी बुक्स होती है जिनके लेजर अकाउंट नहीं बनते? सर किसी के भी नहीं बनते। जिसका सब्सिडरी बुक बन गया उसका लेजर अकाउंट नहीं बनेगा, बताओ बेटा ट्रू या फॉल्स? रॉन्ग, फॉल्स। कैश बुक का नहीं बनेगा, ना कैश का लेजर ना बैंक का लेजर। अगर परचेजेस बुक बन रही है तो क्या परचेजेस अकाउंट का लेजर नहीं बनता? बनता है कि नहीं बनता? बनता है, टोटल ट्रांसफर होता है। परचेजेस बुक का टोटल जाता ही कहाँ है? परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पे, टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक। सेल्स बुक का टोटल कहाँ जाता है? सेल्स अकाउंट में। बट जब परचेजेस बुक बन रही है तो परचेजेस अकाउंट में क्या एक एक करके क्रेडिट परचेजेस ट्रांसफर होती हैं? टोटल एक साथ होता है, टोटल एक साथ होता है। अभी तो रेक्टिफिकेशन को शुरू ही नहीं करा मैंने, मैं बस ये बता रहा हूँ कि वो अज्यूम करे बैठा है कि देखो बेटा जर्नल तो तुम्हें अच्छे से आता होगा, सब्सिडरी बुक्स भी अच्छे से आता होगा, लेजर भी अच्छे से आता होगा। नहीं आता होगा तो कुछ कुछ जगहों पे अटकोगे, जब अटकोगे तो रिवाइज डिस्कस कि सर इसका एक बार लॉजिक दोबारा एक्सप्लेन कर दो, पूछना, ठीक है ना? पूछना, दो चार गालियां ही पड़ेंगी, बट कोई बात नहीं, अपना डाउट क्लियर कर लेना, अपना डाउट क्लियर कर लेना। क्यों गालियां? फ्रेश डाउट के लिए कभी गालियां नहीं। जो चीज आपको बचपन में करा दी गई तब अगर स्ट्रांग होती तो आज वो दिन ना आता तुम्हें दोबारा पूछने का, लेकिन पूछना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ रेक्टिफिकेशन इतना मजेदार चैप्टर है कि उसमें ना बहुत कम नया सीखोगे, बहुत कम नया सीखोगे। परचेज करी थी क्रेडिट पे, दिखाना भूल गए, उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री जो गुड्स परचेज करने की एंट्री होती है। आधी चीजों में तो बस जर्नल एंट्री पास करनी होगी तो उसके लिए जर्नल पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ेंगे, मैं बस ये बता रहा हूँ कि बहुत कुछ पुराना यूज होने वाला है, उसको इग्नोर मत करना, उन इंडिकेटर्स को इग्नोर मत करना, क्योंकि 50% एंट्रीज होंगे जिसमें पुराना यूज नहीं होगा, तो आपको लगेगा चल पहले इन पे फोकस कर ले। नहीं, एक ही क्वेश्चन में कभी किसी ट्रांजैक्शन में यूज होगा, कभी किसी में नहीं होगा, तो आप बच नहीं पाओगे, घुट घुट के जियोगे जब तक रेक्टिफिकेशन खत्म नहीं हो पाता। उनकी बात, जिनको जर्नल नहीं आता, लेजर नहीं आता, सब्सिडरी बुक्स नहीं आती, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, आनी चाहिए। रूल्स पता होने चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए। कैटेगरीज ऑफ एरर्स, नंबर वन एरर ऑफ ओमिशन, ओमिट हो गया, ओमिट हो गया, दिखाना भूल गए। अब
हमें हर एरर के बाद ये समझना होगा कि वो एरर वन साइडेड है या टू साइडेड है। सर ये वन साइडेड टू साइडेड क्या होता है? वन साइडेड एरर मतलब एक ही एस्पेक्ट में गलती है, या तो डेबिट एस्पेक्ट में या क्रेडिट एस्पेक्ट में। टाइप्स ऑफ एरर्स, ब्रॉडली दो ही टाइप के एरर्स होते हैं, वन साइडेड और टू साइडेड। वन साइडेड अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, मतलब अगर आपका वन साइडेड एरर हुआ है तो ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होगा। एक ही साइड में गलती थी, दूसरे में गलती नहीं थी, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। टू साइडेड एरर्स दे डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, मतलब टू साइडेड एरर हुआ है तो डेबिट एस्पेक्ट में भी गलती है, क्रेडिट एस्पेक्ट में भी गलती है, और मैच कर रहा होगा ट्रायल बैलेंस फिर भी, क्योंकि दोनों में सेम गलती हो गई। तो कोई भी एरर अंडरस्टैंड करें, चाहे वो एरर ऑफ ओमिशन हो, कमीशन हो, प्रिंसिपल हो, कॉम्पेंसेटिंग हो, आपको अपने आप से ये समझना है कि ये वन साइडेड है या टू साइडेड है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन फिर उस हिसाब से होगी। वन साइडेड एरर की रेक्टिफिकेशन अलग तरीके से होती है, टू साइडेड की अलग तरीके से। तो चलो एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन एरर ऑफ ओमिशन स्किप हो गया, भूल गए दिखाना। अब एरर ऑफ ओमिशन दो टाइप का होता है, एक एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन कह रहे पूरी की पूरी एंट्री दिखाना भूल गए, तो आपके हिसाब से वन साइडेड होगा या टू साइडेड? टू साइडेड। जब आप पूरी एंट्री दिखाना भूल गए तो आप उसका डेबिट एस्पेक्ट भी भूल गए और क्रेडिट एस्पेक्ट भी भूल गए, तो इट विल बी अ टू साइडेड एरर इफ देयर इज कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन कह रहे रिकॉर्ड तो करा था, पोस्ट करना भूल गए। रिकॉर्ड तो करा था, पोस्ट करना भूल गए। वन साइडेड एरर या टू साइडेड एरर? नॉट श्योर। वन साइडेड, टू साइडेड, वन साइडेड। रिकॉर्ड तो करा था, पोस्ट करना भूल गए, तो ये वन साइडेड होगा या टू साइडेड? इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स, इट मे बी अ वन साइडेड एरर, इट मे बी अ टू साइडेड एरर। सर कैसे? अगर वो नहीं बता रहे कि कहाँ पोस्ट करना भूल गए, तो जहां जहां पोस्ट होना था भूल गए। अब किसी किसी केस में दोनों का लेजर अकाउंट बनता है, तो दोनों में भूल गए तो डेबिट एस्पेक्ट भी गलत, क्रेडिट एस्पेक्ट भी गलत, तो वो हो जाएगा टू साइडेड एरर। जिस केस में बनना ही एक लेजर था, जैसे कि कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई, रिकॉर्डिंग तो सही थी, पोस्ट करना भूल गए। पोस्ट होना ही कहाँ था? सिर्फ कैपिटल में। अब पोस्ट करना भूल गए तो ये वन साइडेड एरर होगा या टू साइडेड? समझ आई बात? तो पार्शियल ओमिशन में भी वन साइडेड और टू साइडेड, इट विल डिपेंड ऑन द एरर। तो आपको एरर रीड करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, आंख बंद करके याद नहीं करना होगा ये होता है वन साइडेड ये। नो, रीड द क्वेश्चन। वो जब चाहे चेंज कर सकते हैं, वो जब चाहे चेंज कर सकते हैं, कुछ भी, लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज है तो कुछ भी कर सकते हैं वो। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन आपको बताएगा, बट मैं कह रहा हूं कि आपका अल्टीमेट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये अंडरस्टैंड करना कि एरर वन साइडेड था या टू साइडेड। ये नहीं होगा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कि वो ओमिशन का था, कमीशन का था, प्रिंसिपल का था, कोई भी एरर हो, आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होगा कि वन साइडेड एरर है टू साइडेड, क्योंकि रेक्टिफाई उस हिसाब से होगा। वन साइडेड है तो सिर्फ उस अकाउंट में गलती है, एक अभी सीखेंगे सस्पेंस अकाउंट के थ्रू वो रेक्टिफाई कर दो। टू साइडेड है, दोनों अकाउंट्स में गलती है, फिर देखो कि वो शॉर्ट डेबिट है, शॉर्ट क्रेडिट है, वो सब अभी आ जाएगा। बट मैं कह रहा हूँ कि जितना भी मैं एक्सप्लेन करूँ, आपका काम क्या है ये समझना कि एरर वन साइडेड है या टू साइडेड। ये चीज अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो रेक्टिफिकेशन तो ही हो पाएगी, तो ही हो पाएगी। एरर ऑफ ओमिशन, अ ट्रांजैक्शन इफ कंप्लीटली और पार्शियली ओमिटेड, ओमिटेड मतलब स्किप्ड फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कैटेगराइज्ड एज एन एरर ऑफ ओमिशन, मतलब एरर ऑफ ओमिशन में भी अ कंप्लीट ओमिशन और अ पार्शियल ओमिशन। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन अराइजेस इफ अ ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स,
और ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल इज नॉट पोस्टेड इन द लेजर, मतलब पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन स्किप हो गई दोनों एस्पेक्ट, तो वो कंप्लीट ओमिशन है। कुछ भी हो सकता है, एरर ऑफ कंप्लीट, इट डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ये तब होगा, डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो बताओ बेटा वन साइडेड है या टू साइडेड? टू साइडेड। तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एस्पेक्ट्स खा गए हैं। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेजेस बुक, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट नॉट रिकॉर्ड। सर उन्होंने बोला रिकॉर्ड नहीं करा, बट क्या पता पोस्टिंग के टाइम कर दिया हो सकता है। बट अगर उन्होंने नहीं बताया, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर उन्होंने नहीं बताया और गलती रिकॉर्डिंग के टाइम हो गई है, वही गलती आगे भी कैरी फॉरवर्ड होगी। कभी कभी होता है अ ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, कि एरर वो कुछ भी कर सकते हैं। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम 50,000 नॉट रिकॉर्डेड, फुल स्टॉप, करो रेक्टिफाई। गुड्स परचेज फ्रॉम राम नॉट रिकॉर्डेड 50,000, करो, क्या रेक्टिफाई करोगे जल्दी बोलो। तो करो रेक्टिफाई, क्या करें बोलो बोलो जल्दी बोलो। कैश गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹50,000, बस कह रहे परचेजेस टू राम कर दो, अब एंट्री पास कर दो, कर सकते हैं, यही है रेक्टिफिकेशन एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राम कर दो, क्लियर। अब एरर चेंज हो गया, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹50,000 नॉट रिकॉर्डेड, हाउ एवर राम्स अकाउंट वॉज करेक्टली क्रेडिटेड विद 50,000। जब लेजर की बारी आई ना, ओहो इसमें डालो 50,000, कर दिया उन्होंने। सर कैसे कर दिया? मैं कह रहा हूँ थियोरेटिकल क्वेश्चन है ना, कुछ भी कर सकते हैं वो। तो अब बताओ गलती सिर्फ परचेजेस में है या सिर्फ राम में है या दोनों में है? परचेज गुड, क्योंकि राम की गलती तो उन्होंने ठीक कर दी, जैसे ही उन्होंने बोला गुड्स परचेज फ्रॉम राम 50,000 नॉट रिकॉर्डेड, मतलब परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, हाउ एवर राम्स अकाउंट वॉज करेक्टली क्रेडिटेड इन द लेजर। सर ये हो कैसे सकता है? मैं कह रहा हूँ उन्होंने लिख दिया ना, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गलती करेंगे वो, कुछ भी एरर है ना, कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम डेबिटेड टू परचेज अकाउंट विथ 5,000 एंड राम विथ 50,000, कुछ भी एरर हो सकता है। तो मैं कह रहा हूँ रीड करना, आंख बंद करके ये मत सोचना कंप्लीट ओमिशन हमेशा ये होगा, पार्शियल ओमिशन हमेशा ये होगा, नहीं हमेशा कुछ भी नहीं होगा। आप रीड करें, इस सिनारियो में ये होगा, उस सिनारियो में वो होगा, तो बस रीड करना, अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन। ये गलती तो कुछ भी हो सकती है, गलती के थोड़ी ना कोई रूल होता है, नहीं, ऐसी गलती होती है या वैसी। अभी ये रूल लॉ थोड़ी ना है, रूल डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं कि हाँ डेबिट ऐसे होगा क्रेडिट ऐसे होगा, एरर तो कुछ भी हो सकता है, एरर कुछ भी हो सकता है, तो एरर बताएगा हमें क्या है। तो वो फिर लेकिन सर ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि अगर अच्छा इस टाइप का एरर है कि आप दिखाना भूल गए, तो उसको एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं। अच्छा आपने दिखाया तो सही जर्नल में, पोस्टिंग करना भूल गए, उसको पार्शियल ओमिशन बोलते हैं। तो कुछ भी हो, कंप्लीट हो पार्शियल हो, आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा? एक ही अकाउंट में गलती हुई है या दोनों में हुई है, वन साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर है। सो कंप्लीट ओमिशन विल ऑलवेज बी अ टू साइडेड एरर, पार्शियल ओमिशन तो देखो कुछ भी हो सकता है, इज एन एरर वेर अ पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड नॉट द कंप्लीट ट्रांजैक्शन इज ओमिटेड, सच एरर्स रिजल्ट इन ट्रायल बैलेंस नॉट अग्रीइंग नॉर्मली, कि पार्शियल ओमिशन हुई है तो कह रहा है एक एस्पेक्ट दिखा दिया एक नहीं दिखाया। मैं कह रहा हूँ कि वो एरर पे डिपेंड करेगा, वो एरर पे डिपेंड, अगर ऐसा कोई एरर हुआ है जिसमें जिसमें एक एस्पेक्ट मिसिंग है एक एस्पेक्ट नहीं है, तो वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी, पोस्ट करना भूल गए, अब इसको मैं कंप्लीट ओमिशन नहीं मानता, इसको मैं कंप्लीट ओमिशन नहीं मानता, क्योंकि आपने एंट्री कुछ तो दिखाई थी, आगे का स्टेप भूल गए। कंप्लीट ओमिशन होता है पूरी एंट्री स्किप हो गई। तो मैं कह रहा हूँ कि कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन नहीं, हमें ओमिशन के साथ ये अंडरस्टैंड करना है गलती एक अकाउंट में है या दो में, वन साइडेड एरर है या टू साइडेड। ओके तो एग्जाम्पल्स अंडरस्टैंड करेंगे, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू राज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक,
बट नॉट पोस्टेड टू राज अकाउंट। हमने क्रेडिट पे सामान बेचा राज को, तो सेल्स बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया, राज में दिखाना भूल गए थे। तो ये वन साइडेड एरर है या टू साइडेड, बस इतना आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद रेक्टिफिकेशन है यस, बट पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि एरर वन साइडेड है या टू साइडेड है। ध्यान से सुनेंगे, डाउट आया कि सर उन्होंने बोला नॉट पोस्टेड टू राज अकाउंट, सेल्स की तो उन्होंने बात नहीं करी कि वो सेल्स अकाउंट में पोस्ट हुआ कि नहीं हुआ, वो इम्प्लाइड है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड हो रही है, सेल्स अकाउंट में इंडिविजुअल एंट्री पोस्ट नहीं होती, इंडिविजुअल एंट्री पोस्ट ही नहीं होती क्रेडिट सेल्स की। क्रेडिट सेल्स का टोटल एक साथ ट्रांसफर किया जाता है सेल्स अकाउंट में। तो अगर क्रेडिट सेल्स हुई है, उनकी रिकॉर्डिंग सही हुई है और एरर सिर्फ पोस्टिंग का है, तो वो सिर्फ पार्टी के अकाउंट का एरर माना जाएगा। ओके क्लियर, इन्हीं चीजों का बस ध्यान रखना है। ये मुश्किल वाले क्वेश्चन होंगे, इजी तो बहुत ही इजी होंगे, बट मैं कह रहा हूँ मुश्किल वाले में क्या होगा, आपको पुरानी चीजें भी कुछ यूज हो जाएंगी। तो एक बार अटकोगे फिर पूछ लेना कि सर क्या क्या ध्यान रखना है। तो वो प्रैक्टिस आपको 10 क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के, 10 क्वेश्चन आपने ढंग से कर लिए ना उस समझ के, याद करके नहीं समझ के। एक क्वेश्चन करने में 10 मिनट लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं। 10 क्वेश्चन, ये डेप्रिसिएशन नहीं है कि एक क्वेश्चन में आधा घंटा लगेगा, नहीं, इसमें एक क्वेश्चन में 5-10 मिनट ही लगेंगे। 10 क्वेश्चन ऑनेस्टली समझ के कर लिए, उसके बाद 99% रेपिटेशन आएंगी, उसके बाद नाइन। लेकिन कंडीशन एक ही है, समझ के कि मतलब हाँ ये मुझे समझ आ गया, अब ये दोबारा आया तो मेरा गलत नहीं होगा। जब तक वो कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब तक अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाते रहना, तब तक अपने डाउट्स पूछते रहना। पहला ओमिशन, ओमिशन या तो कंप्लीट होगी या पार्शियल होगी, हमें ध्यान क्या देना है, वन साइडेड है या टू साइडेड है। कोई डाउट, एरर ऑफ ओमिशन चल सकते हैं आगे।